हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो क्लास लेकर के आया हूँ सीयूईटी में, जो रीजनिंग का सिलेबस है उसमें वेनारे का पार्ट टू लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पार्ट टू। ये आपके पार्ट टू है, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखेगा, ये आपका पार्ट टू है रीजनिंग का वेनारे चैप्टर का, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक, इससे संबंधित और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें? क्या आप चाहते हैं डीडीयू में एडमिशन लेना? क्या आप चाहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना? क्या आपने एम को पूरा करना चाहते हैं? अगर आप अपने एम को पूरा करना चाहते हैं तो इस स्टडी चैनल से जरूर जुड़ें, इस स्टडी प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसमें अब देखेंगे, यानी वह कौन से ऐसे टाइप के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और जब आप बैठते हैं एग्जाम में तो कन्फ्यूज कर देते हैं। उन ऐसे प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे जो फंसा देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं चंद पंक्तियां आपके लिए बयां करना चाहूंगा। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है, लेकिन अपने हौसले से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जैसे कि उनको सारा कोर्स एक ही दिन दे दिया जाए और एक ही दिन खत्म कर देंगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों ऐसे बच्चे अपने भविष्य के साथ घातक व्यवहार करते हैं, यानी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ठीक है ना, ये भी क्लास देख लेते हैं, वो भी क्लास देख लेते हैं, वो भी क्लास देख लेते हैं, बार बार इधर उधर जंप करते हैं, उससे कोई होने वाला नहीं है। आपको रेगुलर जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर आप क्लास अटेंड कीजिए, वही क्लास अटेंड कीजिए जो क्लास आपको रेगुलर मिल रही है। ठीक है, अब जैसे आज मैं हमने क्या बोला, आपको रीजनिंग क्लास मिलेगा, तो रीजनिंग क्लास आज मिला तो आप कॉपी पेन लेकर टाइमली बैठ जाइए और रीजनिंग क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, और कमेंट में लिखते रहिए कि आपको कौन सा प्रश्न समझ में आ रहा है, कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अपने भविष्य के साथ अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, अपने भविष्य को अंधकार में मत डालिए, क्योंकि हम लोग पूरी टीम के साथ और मजबूती के साथ आपके तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आ चुके हैं और आगाज हो चुका है कोर्स का। तो फटाफट कोर्स को आप जाकर के परचेस कर लीजिए, ताकि आपको और बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो प्राप्त हो सके। तो चलिए हम क्लास में अब 13 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, दिया है बच्चे नटखट गंभीर का वेन आरे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बच्चे नटखट गंभीर का वेन आरे क्या होगा, इस प्रश्न का फटाफट आप उत्तर दीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है बहुत ही आसान शब्दों में। मैंने जो कल पढ़ाया है यह 3 होमवर्क हमने दिया था, लेकिन अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया कि हमने होमवर्क कंप्लीट किया। फटाफट इसका तीनों प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं, कल होमवर्क था लेकिन आप नहीं दे सकते, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चे नटखट गंभीर, तो ये आरेख हो गया बच्चे का, किसका हो गया, बच्चे का। आप अच्छी तरह से जानते हैं कुछ बच्चे होते हैं नटी, मतलब नटखट होते हैं, क्या नटखट, नटखट होते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चे होते हैं गंभीर होते हैं, क्या होते हैं, गंभीर होते हैं, गंभीर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डायग्राम आपका सही बनेगा, ये डायग्राम आपका सही बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस कुछ बच्चे ऐसे भी बना देते हैं कि ये बच्चा हो गया, ये नटखट हो गया और ये आपका गंभीर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे हैं तो कुछ बच्चे नटी होते हैं, नटखट होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो गंभीर होते हैं, तो ये आपका रॉन्ग होगा, ऐसा पर टिक नहीं लगाना। आपको चार ऑप्शन मिलेगा, अगर ऐसा मिल जाता ऑप्शन तो आप टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला दिया है औरतें पत्नियां बहने का वेन आरे क्या है, औरतें पत्नियां बहने का वेन आरे क्या है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो ग्राफ है, ये आपका जो डायग्राम है, ये आपका किसका है, औरतें का, किसका है दोस्तों, औरतें का, ये डायग्राम किसका है, औरतें का। ठीक है ना, ये डायग्राम औरतें का हो गया,
अब ध्यान रखना है, कुछ पत्नियां होती हैं उसमें औरतें, तो कुछ बहन भी होती है। ये आपका पत्नी हो गया और ये आपका बहन हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है सभी औरतें के बारे में कह रहा है, ऐसा नहीं कि एक औरत के बारे में कह रहा है, यहां सभी औरतों के बारे में कह रहा है। तो सभी औरत हो गए। अब सभी औरत में कुछ बुआ भी होती है, कुछ मौसी भी होती है, ठीक है ना, क्योंकि पूरे औरतों के बारे में पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो यहां औरतें और पत्नियां और बहने कह रहा है, तो कुछ पत्नियां बहने होती हैं, यानी कुछ औरतें बहने होती हैं और कुछ पत्नियां होती हैं। तो ये डायग्राम आपका अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप ब्लैक कर दीजिएगा पूरा खाना और फिर आगे बढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों प्रश्न अगर आपको समझ में आया हो तो फटाफट थम्सअप कर दें, अगर यह दोनों प्रश्न आपको समझ में आया हो तो फटाफट थम्सअप कर दें, क्योंकि थम्सअप आप करते हैं तो हमें यह महसूस होता है या मालूम होता है कि आपने क्वेश्चन को समझ रखा है, यानी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिए हैं आप, ठीक है। तो फटाफट थम्सअप करिए ताकि मुझे पता चले। चलिए अब हम लोग 15 नंबर, ये भी आपका होमवर्क है, बाकी यहां से हम आज कराएंगे। तो ये आपका दालें अरहर मूंग दाल, अब यह आपको ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, दालें अरहर मूंग दाल। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं ये आपका दाल है, और अरहर का भी दाल होता है और मूंग का भी दाल होता है। ये बाहर वाला जो है ये क्या है, दाल का है, दालें। इसके अंदर आपका आ जाएगा अरहर का, आ जाएगा किसका, अरहर का आ जाएगा। उसके बाद आपका इसके अंदर आ जाएगा मूंग का, किसका, मूंग का आ जाएगा, मूंग दाल। तो इससे आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि दाल का जो एरिया है ये एक एरिया है पूरा दाल का, ठीक है। अब दाल में ही आपका अरहर भी आ जाता है और मूंग भी आ जाता है, क्योंकि दोनों दाल होती है। तीसरी चना की दाल दे दिया, तो चना की दाल दे दिया तो आप तीसरा यहां भी बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि वो दाल के एरिया में ही आपका आता है जो अरहर है और मूंग है, ये दोनों दाल के ही एरिया में आते हैं, ठीक है। अगर यहां किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप जरूर यहां कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपको उसका सुझाव मिले, ठीक है। चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न करेंगे। दोस्तों आपको क्लास अगर समझ में आ रहा हो थम्सअप जरूर कीजिएगा, अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहा हो तो थम्सअप जरूर कीजिए, फटाफट थम्सअप कीजिए अगर समझ में आ रहा हो तो। चलिए आगे दिया, अध्यापक चित्रकार नाटककार का वेन आरेख क्या होगा, अध्यापक चित्रकार नाटककार का वेन आरेख क्या होगा। दोस्तों मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको 20 प्रश्न 30 प्रश्न करा दूं और आपको एक भी प्रश्न समझ में न आए, मैं ये चाहता हूं कि 5 ही प्रश्न कराऊं 10 ही प्रश्न कराऊं, लेकिन क्लास के अंतिम बच्चे तक समझ में आना चाहिए, क्लास का अंतिम जो बच्चा है वो समझ जाए तो हमारा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आप समझे, जब प्रैक्टिस कराएंगे तब तो प्रश्नों की बौछार होगी ही दोस्तों, अभी प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं इसलिए प्रश्नों की बौछार नहीं हो रहे, इसलिए आप ध्यान पूर्वक इसे पढ़ते जाइए। और दोस्तों मैं एक बात के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं कि रोड से बहुत सारी आवाजें आ रही होगी, व्हीकल से आने की आवाजें आ रही होगी, ट्रांसपोर्ट की आने की आवाजें आ रही होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हल्का फुल्का डिस्टर्ब होता ही मानता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि रोड के किनारे ही रूम है तो आवाज आना जायज सी बात है, तो आप उसे अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी बहुत नाम बहुत मात्रा में आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं आ रही है क्योंकि मैं हमेशा प्रयास करता हूँ एडिटिंग में कि सही आवाज आए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखिए, लास्ट नंबर ये है आपका 16 नंबर प्रश्न, तो 16 नंबर जो आपका दिया है इससे हम लोग करेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, अध्यापक चित्रकार नाटककार, ठीक है ना, अध्यापक चित्रकार नाटककार। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि जो अध्यापक होते हैं, विजिबल हो रहा है एक बार बताइए आप लोग, विजिबल जी, तो जो अध्यापक होते हैं वह नाटककार भी हो सकते हैं और चित्रकार भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपके हो गए क्या, चित्रकार हो गए, चित्रकार, और ये आपके हो गए नाटककार, नाटककार, और ये आपके हो गए अध्यापक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कुछ अध्यापक चित्रकार भी हो सकते हैं और कुछ अध्यापक नाटककार भी हो सकते हैं, और उसमें से कुछ अध्यापक भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कुछ लोग मान लीजिए यह एरिया जो है इसमें अध्यापक भी हो गए, ये आपका एरिया अध्यापक और चित्रकार का हो गया, यह एरिया आपका अध्यापक और नाटककार का होगा, ऐसे ही जो चित्र अगर मिला आपको ऑप्शन में तो टिक यानी गोला काला करके आगे बढ़ लीजिएगा मित्रों, ठीक है।
यह प्रश्न आपको देखिए दोस्तों, अब ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी मैं आपको हमेशा यह चाहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप प्रश्न कराऊं। जब स्टेप बाय स्टेप प्रश्न कराएंगे तो आप आसानी से समझते चले जाएंगे कि लो लेवल से हाई लेवल में जाने में आसानी होता है और हाई लेवल डायरेक्ट समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि तो आप जब बेसिक रूल समझे ही नहीं तो आप कैसे समझ पाएंगे हाई क्वेश्चन को, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहा हूं। 16 नंबर तक प्रश्न करा चुका हूं और प्रयास मेरा है 50 नंबर प्रश्न हम कराऊं और 4 क्लास में इसे खत्म कर दूं, ठीक है ना। वेन आरक आरेख के एकदम मास्टर बन जाएंगे आप अगर वेन आरेख पढ़ लिए मन से, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अगर पढ़ लिए तो वेन आरेख के मास्टर बन जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसे तोड़ ना सके आप, ये मेरा वादा है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बैठे तो आप उसे तोड़ ना सके, एग्जाम के मस्तिष्क में छेद करके आएंगे आप, ये मेरा वादा है अगर आप क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 17, 18, 19, 20 नंबर प्रश्न, यानी जो 4 प्रश्न है आप इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है और यह प्रश्न जो है इसी टाइप के प्रश्न आप कर चुके हैं तो आप इसका जवाब खुद दे सकते हैं। तो इसका जवाब फटाफट दीजिए इस प्रश्न का। पहला 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पर्वत जंगल पृथ्वी का वेन आरेख क्या होगा। प्रश्न कह रहा है पर्वत जंगल पृथ्वी का वेन आरेख क्या होगा, तो आप फटाफट बताइए इसका क्या होगा, पर्वत जंगल और पृथ्वी का। सबसे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि पृथ्वी एक धरा धरती है, ठीक है। धरती पर ही आपका पर्वत भी होता है, धरती पर ही आपका पर्वत भी होता है और धरती पर ही आपका जंगल होता है। ये आपका पर्वत कहाँ होता है, धरती पर, और जंगल भी कहाँ होता है, धरती पर। ये हो गया आपका पृथ्वी, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका पर्वत हो गया जंगल, यानी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही आपका क्या है, जंगल भी है और पृथ्वी पर ही आपका पर्वत भी है, यानी पहाड़ भी पृथ्वी पर और जंगल भी आपका पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के अंदर ही दोनों आएंगे, पृथ्वी के अंदर ही दोनों आएंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गलतियां क्या करेंगे, इसमें क्या गलतियां होने वाली हैं, ये ऐसे बनेगा, लोग बनाएंगे ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया आपका जंगल और ये हो गया आपका पर्वत, ऐसे बनाएंगे, तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं बनेगा। चलिए तो ये आपका होगा पर्वत जंगल का ऐसा विनारे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि मैं जब भी क्लास लेता हूं तो आपको बताता हूं कि आप जब भी मेरे क्लास को अटेंड कीजिए तो आप पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए ताकि प्रश्नों को नोट डाउन करते हैं। देखिए प्रश्नों को नोट डाउन करने से क्या होता है, आप वीडियो देख लेंगे बस खत्म, नहीं दिमाग में आएगा। और मेरा यह सब्जेक्ट ऐसा है कि जब तक आप लिख करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दिमाग में आपके बैठेगा ही नहीं। लिखने से दोस्तों क्या फायदा होता है, लिखने से आपको आसानी से प्रश्न का टाइप याद हो जाता है और लिखने से ही आपको सारी टाइप्स के प्रश्न के टाइप को अंडरस्टैंडिंग करने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाती है, कैसे प्रश्न को समझना है और कैसे इस प्रश्न को घुमा रहा है, कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको हो जाती है। इसीलिए जब भी क्लास हमारा अटेंड कीजिए रीजनिंग का, उसमें कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए ताकि उसे नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया है उत्तरी अमेरिका, यानी इस प्रश्न को हमें समझना है उत्तरी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका न्यूयॉर्क का वेन आरेख क्या होगा। अब आपको यह जानकारी होना चाहिए कि ये जो सबसे बड़ा यानी एरिया जो होता है उसे उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। उसके बाद जो आएगा इसमें ये होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य राष्ट्र अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो बनाएंगे वह आपका न्यूयॉर्क हुआ, क्या, न्यूयॉर्क। दोस्तों ये देखिए ऐसे ही प्रश्न को ट्विस्ट करेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहां यानी अमेरिका, यानी आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका के अंदर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होता है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर आपका न्यूयॉर्क शहर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, घुमा देंगे। तो हमें क्या करना है, जो एग्जाम का लेवल उससे 2 लेवल और पढ़ लेना है ताकि अगर और लेवल थोड़ा सा उठा दे तो कोई समस्या ना हो। क्योंकि होता क्या है, आप पिछली बार एग्जाम दे करके आए होंगे या पिछली बार जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे तो वो जानते होंगे कि प्रश्न कैसे बने हैं और प्रश्न कैसे बने, हो सकता है इस बार प्रश्न और लेवल उठा दे, तो हमें लेवल को भी ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है ना। सीवीटी क्रैक करना है तो लेवल भी रेगुलर की हर साल की तरह ध्यान में रखना होगा।
तो दोस्तों अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न, दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आप सॉल्व कीजिए फटाफट, 19 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए और 19 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करिए, बार बार आप कमेंट ना लिखिए कि सर शायरी सुनाइए, शायरी सुनाइए, बीच बीच में मिर्च मसाला आपको देते रहेंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और इंटरटेनमेंट के साथ आपको क्लास मिलेगी, आपको बोरिंग महसूस कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो लगाइए प्रश्न को, प्रश्न नंबर 19 लगाइए आप फटाफट। चलिए दोस्तों अगर आप लगा चुके होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए दिया है सूर्य चंद्रमा और तारे का वे नारे क्या होगा, किसका, सूर्य चंद्रमा और तारे का। ये ध्यान रखिएगा, तारे में सूर्य, सूर्य भी एक तारा है, तो ये आप क्या हो गया, तारा का वे नारे हो गया, किसका, तारा का वे नारे हो गया, और उसके अंदर आएगा क्या, सूर्य, सूर्य आपका किसके अंतर्गत आता है, तारा के अंतर्गत आता है, लेकिन चंद्रमा आपका सबसे अलग होगा, चंद्रमा ये सबसे अलग होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहां आपको सूर्य का यानी तारा के अंदर ही आपका चंद्रमा, सॉरी सूर्य आता है, सूर्य एक तारा है ये आपको पहले से पता है, तो सूर्य आपका किसके अंदर आएगा, तारा के अंतर्गत आएगा, लेकिन चंद्रमा आपका तारा नहीं है इसलिए चंद्रमा आपका क्या हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा आपका यहां आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए अब हम अगले प्रश्न चलते हैं। तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न कीजिए, ये आपका ऊपर की तरह एक प्रश्न था अध्यापक नाटककार वाला, उसी प्रकार लगेगा, आप इसको करके बताइए फटाफट, बताइए आप इसको, इसको कीजिए, आसान प्रश्न है और यह प्रश्न आपको बताया जा चुका है एक बार, आप कीजिए। 5 प्रश्नों की और सीरीज लेंगे, 25 प्रश्न हो जाएंगे और फिर 25 प्रश्न अगले वीडियो हम लोग लेंगे। ठीक है चलिए बताते हैं। तो यहां देख रहे हैं मनुष्य स्नातक अध्यापक, यहां आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपका कालम बनेगा, ये आपका किसका बनेगा, मनुष्य, मनुष्य ही तो अध्यापक होते हैं और स्नातक होते हैं, तो ये आपका मनुष्य का हो जाएगा, ये आपका मनुष्य का हो गया, और ये स्नातक हो गए, और ये जब स्नातक होंगे तभी तो अध्यापक होंगे, तो कुछ व्यक्ति स्नातक हैं और कुछ मनुष्य अध्यापक है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अब यहां प्रश्न को, यानी यहां जो है आपका मनुष्य, मनुष्य ही स्नातक भी होते हैं पढ़ के और अध्यापक भी होते हैं, तो कुछ मनुष्य क्या हो गए, स्नातक हो गए, ठीक है, और कुछ मनुष्य क्या हो गए, अध्यापक हो गए, तो स्नातक का जो श्रेणी होता है वो अध्यापक के कैटेगरी में आता है, अगर अध्यापक है वो स्नातक किए हैं तभी अध्यापक भी हो सकते हैं, समझ में आया, तो ये जो क्राइटेरिया है इससे पूरा करता है, तो ये हो गए स्नातक ग्रेजुएट, और ये हो गए ग्रेजुएट, और ये हो गए आपके टीचर। ठीक है, तो दोस्तों आज क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसमें से कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको डाउट लग रहा हो, क्लियर ना हुआ हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत समझाऊंगा। ठीक है, हाँ फटाफट फटाफट आप लोग उतार लीजिए, अगर इसे आप उतारना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या उतारना चाहते हैं, उतार लीजिए फटाफट, इसको उतार लीजिए, कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, प्रश्न अच्छा है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं, अब अगला प्रश्न क्या होगा उस आधार पर चलते हैं, क्योंकि आपको सारे प्रश्न को मेंटेन करना है। तो दोस्तों अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को देखेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा, 21 नंबर तो आप लगा देंगे लेकिन 22 नंबर में देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा प्रश्न को हार्ड कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे लेवल बढ़ेंगे, 2-3 लेवल और बढ़ाएंगे, 50 प्रश्न उम्मीद है मैं कराऊंगा, और 50 प्रश्न में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, आप बोलोगे सर मैंने सारा प्रश्न कर लिया, आज प्रैक्टिस शॉर्ट प्रैक्टिस सेट जब करने बैठेंगे तो प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे प्रश्न को खटखट करते चले जाएंगे, आप देखते ही जवाब दे देंगे, बस आप 50 प्रश्न देखते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। ठीक है चलिए, तो गायक पशु था बकरी का वेन आरेख क्या होगा, ये आप फटाफट बताइए, गायक पशु और बकरी का वेन आरेख क्या होगा, आप बताइए, गायक पशु बकरी का वेन आरेख क्या होगा, आप फटाफट इसका उत्तर दीजिए, सॉरी गाय है, गायक नहीं है, गाय, गाय होगा,
गाय पशु था बकरी का वेनारक क्या होगा? ठीक है दोस्तों, जवाब दीजिए। अगर गाय पशु बकरी का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर गायक रहता तो क्या बनता आपका, ये आपका फिगर बनता, ये आपका पशु हो गया, ये बकरी हो गया, ये गायक हो गया, ये फिगर बनता। इस बात का ध्यान रखिएगा, कब, जब गायक पशु बकरी होता तब। लेकिन अगर आप गाय पशु बकरी दिया है तो गाय पशु का ये हो गया और उसका गाय का ये हो गया, बकरी का ये हो गया, ये आपका पशु का हो गया, ये आपका गाय का हो गया, ये आपका बकरी का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो गाय पशु बकरी का ये आपका डायग्राम बनेगा इस प्रकार का, लेकिन गायक पशु बकरी का डायग्राम ये बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट आप थोड़ा सा गेस कीजिए, 22 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, गेस कीजिए, गेस करके आप बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपको दोस्तों उस लेवल की मैं तैयारी करा दूंगा कि आप कभी भी एग्जाम में बैठेंगे सीयूईटी के या वन डे कॉम्पिटेटिव में, तो वो क्वालिफाई करेंगे आप, इससे प्रश्न आपके फंसेंगे नहीं। गेस कीजिए दोस्तों, ये आसान प्रश्न है, बस आपको ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा प्रश्न को बढ़ा दिया है, ट्विस्ट कर दिया है, बाकी इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपको मैंने बता दिया ना, आप जाएंगे तो एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाएंगे छोड़कर नहीं आएंगे, मात्र 5 सेकंड में इसका जवाब देंगे आप, 5 सेकंड में इसका जवाब देंगे। मुझे तो यहाँ बनाना पड़ रहा है, इसको आरेख बनाना पड़ रहा है, आपको तो बना बनाया एग्जाम में मिलेगा और ऑप्शन भी मिलेगा, मुझे सब कुछ लिखना है, इसे थोड़ा समय लग रहा है, तो इसलिए आप बहुत आसान तरीके से करके आएंगे, ये मेरा वादा है। बस आप मन से पढ़िए और मन एकाग्र करके पढ़िए, नोट डाउन करते रहिए। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, हमने क्या बार बार कह रहे हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए बार बार, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, अरसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। दोस्तों आप जब बार बार किसी चीज का प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज का बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके दिलो दिमाग में घुस जाता है और बैठ जाता है, और जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं या फिर कहीं पढ़ने बैठते हैं या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने, अरे सर तो बताए थे इस तरह से स्टिक से लगेगा, आप तुरंत लगा देंगे। और जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, हमने क्लास दिया और क्लास लिए आप, उसका फिर जाकर बैठ गए घर पर, कुछ नहीं किए, तो फिर वो जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है, आप प्रैक्टिस करिए। चलिए इस प्रश्न को हम लोग बताते हैं, इस प्रश्न को क्या कैसे प्रश्न को सॉल्व करना दिया है। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृति में केवल एक ही आकृति में स्थित है, यानी ये जो आकृति 3 प्रकार की है, आप देखेंगे ये आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और सर्कल है। ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है और ये आपका सर्कल है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल में वह कौन कौन से अंक है जो सिंगल है, मतलब जैसे आपका यहां देखेंगे तो आपका स्क्वायर और सर्कल दोनों में 6 है, तो ये आपका मान्य नहीं होगा, इसको नहीं वैलिड माना जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहां अगला में ये, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे, यानी इसमें पूछा जो है वही बताना है बस। यहां देखिए पूछा है केवल एक ही आकृति में वो संख्या स्थित हो, केवल एक ही आकृति में। आप देखेंगे यहां आपका स्क्वायर और क्यूब, सॉरी स्क्वायर और सर्कल में 6 है, स्क्वायर क्यूब और सर्कल में आपका 8 है, यहां आप देखेंगे सर्कल और रेक्टेंगल में आपका क्या है 7 है, वैसे ही यानी अलग अलग प्रकार का है, लेकिन हमें जो पूछ रहा है वो जवाब देना है, एक ही आकृति में स्थित हो। अब देखिए यहां जो आपका 2 है ये किसमें है, यह स्क्वायर में है, स्क्वायर में क्या है आपका 2 है। उसके बाद आप देखेंगे केवल एक ही संख्या हो, आप देखिए इसमें 2 नहीं होना चाहिए, देखिए ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर में केवल 2 अकेला है। उसी प्रकार आप देखेंगे सर्कल, तो सर्कल में अकेला होना चाहिए, लेकिन 7 हम नहीं लिख सकते, 7 इसलिए नहीं लिख सकते कि ये सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी है। और उसके बाद हम 1 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किस में है, 1 आपका केवल सर्कल में है, तो 1 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे रेक्टेंगल में, तो अगर रेक्टेंगल में जाते हैं तो स्क्वायर सर्कल का हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में देखेंगे तो ये आपका 3 दिया है, लेकिन रेक्टेंगल में भी है स्क्वायर में भी है, तो यहां आप देखेंगे 9 जो होगा आपका, यह आपका किस में होगा, यह आपका रेक्टेंगल में होगा 9। तो क्या बनेगा इसका, 1 बनेगा इसका, क्या ये आपका बनेगा 1, 2, 9। अब देखिए इसमें ये भी नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका सी नंबर होगा। ठीक है ना, 1, 2, 9। अब देखिए 1 केवल सर्कल में है, और आप देखेंगे 2 आपका केवल
स्क्वायर में है और देखेंगे नौ, नौ तो आपका रेक्टेंगल में है, तो तीन ही पूछा था। तीनों आकृति में केवल सिंगल हो यानी और कहीं ना हो, जैसे दो आकृति मिलाकर ना हो, केवल एक एक आकृति में हो। तो देखेंगे आप स्क्वायर में केवल दो है, सर्कल में आपका केवल एक है और रेक्टेंगल में आपका नाइन है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट थम्स अप कर दें, अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट थम्स अप कर दें, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पुनः रिपीट करूंगा। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, अगर आपको समस्या हो सकती है तो मैं एक बार और समझा दे सकता हूं, आप चलिए समझ लीजिए। देखिए यहां दिया है, ऐसी कौन संख्या जो दी गई आकृति में केवल एक ही आकृति में स्थित है। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ट्विस्ट किया पहले प्रश्न को, थोड़ा लंबा समय लेकर आपको समझा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, बाकी दूसरा प्रश्न आएगा तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ स्क्वायर, सर्कल और ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। यहां पूछ रहा है कि केवल एक आकृति में वो संख्या स्थित हो। अब देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को अगर लिया जाए तो रेक्टेंगल में 2, 6, 3, 8 है, लेकिन 8 को देखेंगे तीनों में आएगा, 6 को देखेंगे दोनों में आएगा, और ये आपका 3 में देखेंगे दोनों में आएगा, लेकिन 2 ही एक ऐसी संख्या है जो केवल स्क्वायर में है, तो 2 हमने ले लिया। उसके बाद देखेंगे अब क्या, क्यूब, सॉरी हाँ सर्कल लेते हैं, सर्कल में देखते हैं, सर्कल में देखेंगे 6 है, 1 है, 7 है, 8 है। तो जो सर्कल में देखेंगे 7 जो है वो सर्कल और रेक्टेंगल दोनों में है, और 8 जो है वो सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी है, और 6 है जो वो आपका सर्कल और स्क्वायर में है, लेकिन 1 एक ऐसी संख्या जो केवल सर्कल में है, तो 1 को लिख लिया गया। उसके बाद आपका आता है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में जब देखना है तो रेक्टेंगल में क्या है, 9 है, 7 है, 8 है, 3 है, तो 7 आपका तीनों दोनों में है, 7 दोनों में है, 8 आपका तीनों में है और 3 आपका दोनों में, लेकिन 9 एक ऐसी संख्या है जो केवल, तो केवल रेक्टेंगल में है, ठीक है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 to 9, 1 to 9 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न का आपका सी नंबर क्वेश्चन सही होगा, 1, 2, 9 यानी 1, 2, 9। तो दोस्तों आप थम्स अप कर दीजिए, फटाफट थम्स अप कर दीजिए ताकि हमें, मुझे पता चल जाए कि आपने समझ चुका है, यानी इस प्रश्न को आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद 3 प्रश्न और कराएंगे इस क्लास में, उसके बाद क्लास को हम एंड करेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे हम लोग 23 नंबर और 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे, और जो प्रश्न आपको हम 22 नंबर बताए हैं उसी पर आधारित आपका 23 नंबर भी है, उसी पर आधारित आपका 24 नंबर भी है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसका जवाब दें, अगर आप जवाब दे देंगे तो यह समझ जाएंगे कि आप 22 नंबर प्रश्न को समझ चुके हैं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपके जवाब का मुझे इंतजार है, आपके जवाब का मुझे इंतजार है। फटाफट आप जवाब दीजिए प्रश्न का, क्योंकि बहुत शानदार प्रश्न है ये आपका, एग्जाम का लेवल अगर बढ़ाएगा तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, एग्जाम का अगर लेवल बढ़ाएगा तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चलिए लगाइए, चलिए लगाइए दोस्तों फटाफट। चलिए फटाफट लगाइए, इसका उत्तर दीजिए, आपको 23 नंबर का उत्तर दीजिए। तो आपके लिए, चलिए शायरी बार बार ना लिखे, शायरी मैं आपको सुना दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सुनाते रहूंगा। तो ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, ना थकी अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। दोस्तों अपने आप को मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन के लिए मैं बहुत सारे क्विटोस, स्टोरीज, शायरी सुनाता रहता हूं ताकि आप लोग अपने नॉलेज लेवल को ग्रोथ हमेशा करते रहे, ठीक है। तो यहां मैं आपको प्रश्न दिया हूं, इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम प्रश्न को खुद सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे दिया है, ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं। अब देखिए जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब ये आपका जो ट्रायंगल है यह निर्धारित करता है आपका शिक्षित को, किसको, शिक्षित को, एजुकेटेड को निर्धारित करता है कौन, ट्रायंगल, शिक्षित को निर्धारित करता है कौन, ट्रायंगल। उसके बाद पहला सर्कल जो है, फर्स्ट सर्कल जो है यानी फर्स्ट गोला, ये आपका ग्रामीण है, ग्रामीण, ग्रामीण को निर्धारित करता है।
और सेकेंड जो है वो कार्यरत को निर्धारित करता है, कार्यरत को, ठीक है ना, तो कार्यरत को निर्धारित करता सेकेंड गोला, ठीक है। अब जो प्रश्न कह रहा है उसका जवाब देना है। आप देखेंगे शिक्षित के श्रेणी में केवल तो केवल 16 है और दूसरे यानी ग्रामीण की श्रेणी में केवल तो केवल 34 है और कार्यरत की श्रेणी में केवल तो केवल 14 है। ये आपका निकल गया, ये इतने शिक्षित है केवल, ये इतने ग्रामीण है केवल और ये इतने केवल कार्यरत है। अब आप देखेंगे अगर प्रश्न है यहां देखिए ये शिक्षित भी हैं और ग्रामीण भी हैं क्योंकि दोनों में आ रहा है, शिक्षित और ग्रामीण दोनों हैं और ये आपके कार्यरत और शिक्षित दोनों है। 12 जो दिया आपका कार्यरत और शिक्षित दोनों है और ये जो दिया है ये आपके शिक्षित कार्यरत और ग्रामीण है, यही एक पॉइंट है जो तीनों में है, 6 जो ऐसा पॉइंट जो तीनों में है, तो शिक्षित ग्रामीण और कार्यरत 6 लोग हैं। 10 लोग जो दिया है ये आपके ग्रामीण भी हैं और कार्यरत हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्न में हमें पूछा क्या कितने शिक्षित हैं, कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत है, शिक्षित और कार्यरत बस देखना है। तो आप देखेंगे शिक्षित, शिक्षित और कार्यरत की श्रेणी में 12 आ गया, क्या 12 आ गया, प्लस और देखते हैं शिक्षित और कार्यरत की श्रेणी में आपका 6 आ गया तो इसे भी ले लेंगे। अब देखिए इसके बाद यह 10 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये कार्यरत और ग्रामीण की श्रेणी में है, 22 नहीं लेंगे, ये आपका शिक्षित और ग्रामीण की श्रेणी में है, 6 और 12 आपका कार्यरत और शिक्षित के श्रेणी में है इसलिए लेंगे, और दोनों को जोड़ने पर उत्तर जो आएगा 18, तो 18 ऐसे यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी 18 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं और कार्यरत भी हैं, जो शिक्षित भी हैं और कार्यरत हैं, 18 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं और कार्यरत हैं, ठीक है। चलिए 18 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं और कार्यरत हैं। चलिए अब हम लोग अंतिम प्रश्न 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। दिया है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो अध्यापक और न ही गायक, इस बात का ध्यान रखिएगा, न ही वो अध्यापक है और न ही वो गायक है लेकिन खिलाड़ी है, इस बात का ध्यान रखना आप खिलाड़ी है। अब इस सर्कल आपको आइडेंटिफाई करता खिलाड़ी को, ये ट्रायंगल आइडेंटिफाई करता अध्यापक को और ये आपका रेक्टेंगल आइडेंटिफाई करता गायक को, सिंगर को, ठीक है ना। चलिए तो अध्यापक केवल तो केवल अध्यापक 10 हैं, केवल तो केवल गायक 28 हैं, केवल तो केवल खिलाड़ी आपके 12 हैं, लेकिन अगर देखा जाए गायक और खिलाड़ी दोनों आपके 17 हैं, गायक और खिलाड़ी दोनों 17 हैं और गायक और अध्यापक 9 हैं और खिलाड़ी और अध्यापक आपके 5 हैं और देखा जाए तीनों में आते हैं 4 ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं अध्यापक हैं और गायक भी हैं, लेकिन हमसे जो प्रश्न पूछा वही केवल खिलाड़ी पूछा है, वो अध्यापक ना हो और गायक ना हो, वो अध्यापक ना हो और गायक ना हो, तो खिलाड़ी ही जो केवल पूछा है तो खिलाड़ी का ही हमको उत्तर देना है। तो खिलाड़ी ही केवल पूछा है तो आप देखिए इसमें खिलाड़ी कौन सा है, यानी वेन डायग्राम में आप देखेंगे इसमें खिलाड़ी कौन सा है तो आप देखिए कितने लोग खिलाड़ी है, खिलाड़ी केवल 12 है, देखिए यह सिंगल है तो सिंगल में खिलाड़ी केवल कितना है 12 ही ऐसे हैं जो खिलाड़ी है। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, इसका जवाब आप दे सकते हैं, सही उत्तर होगा आपका बी नंबर 12, यानी खिलाड़ी का पूछा है तो खिलाड़ी आपके टोटल हैं 12, सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 12, यानी 24 नंबर का 12 आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो थम्सअप जरूर करिए, अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो थम्सअप कीजिए, और अगर आपके मित्र सहपाठी कोई भी अगर कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप उनसे सजेस्ट कीजिए कि इस पर आपका क्लासेस बहुत बेहतर ढंग से सभी फैकल्टी मेंबर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको सीबीटी एग्जाम क्रैक करना है तो हमारे इस चैनल को, हमारे इस क्लास को यही एंड करता हूं। जय हिंद जय भारत।